जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीवन विल बी परफेक्ट। सो गाइस, जो जो अटेंडेंस मौजूद हैं वो खुद को एक दफा इंट्रोड्यूस करा दें, तो फिर वी विल प्रोसीड अहेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज मफरत तबसुम एंड आई एम फ्रॉम फॉर्म डी 7th सेमेस्टर मॉर्निंग क्लास। थैंक यू मफरत, वी आर हैप्पी टू हैव यू हियर। जी नेक्स्ट पर्सन। Thank you. This is Mehvish Shamzan from 7th semester Form D morning. These grammar classes are very helpful and they are very amazing. Thank you. Thank you Mehvish. And if there is any other person. Assalamu alaikum. I'm Iman and I'm from 7th semester morning. Thank you Iman. We are happy to have you here. And the next one is. Assalamu alaikum everyone. My name is Asma Afzal and I'm from pharmacy 7th semester. और ये हमारे इंग्लिश की क्लासेस हैं जो कि हमारे राइटिंग प्रैक्टिस को बहुत इंप्रूव कर रही हैं। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो आज हमारा फोर्थ लास्ट लेक्चर है और दिस इज ऑल अबाउट एडवर्ब्स। लास्ट हमने वो करिए था लाइक वी आर डन विद एडजेक्टिव्स विद प्रोनाउंस एंड ऑल अदर थिंग्स। और आई होप कि आप लोगों ने असाइनमेंट्स अपनी देख ली होंगी जो मैंने चेक की थी और रिव्यू के अकॉर्डिंग उसको भी हम लेटर ऑन डिस्कस करने के डार्ट ऑफ द लेक्चर बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। ओके, तो आज हमारा लेक्चर होगा अबाउट एडवर्ब्स। पर्टिकुलरली एडवर्ब्स में इसमें आई वुड प्रेफर के जो मोस्ट कॉमन एरर्स हैं खाली वो डिस्कस किए जाएं। और उसमें जो एक कॉमनली कमिटेड एरर है वो ये है कि एडवर्ब ऑफ टाइम। आई होप आप सबको पता होगा एडवर्ब मैन प्लेस इन टाइम। ओके, हमारा कॉमन क्वेश्चन, व्हाट इज एडवर्ब एक्चुअली? Adverb is a qualifier of verb. Modifies the verb. Okay, that's nice. Anyone else? Adverb is useful to add the meaning to the verb, highlight the meaning of verb. Yeah, definitely. So adverb jo hai wo is basically further qualifies the verb or explain the verb. Acha adverb ki quality ye hai ki wo khali verb ko modify nahi karta, khali verb ko qualify nahi karta ya uski explanation nahi deta. Adverb jo hai wo ek puri clause ko bhi qualify kar sakta hai, puri clause ko modify kar sakta hai. I mean to say adjective ko bhi modify karta hai aur basically verb ko to karte hi karta jo ki most common usually sabko pata hota hai. सो एडवर्ब आप लोगों ने याद रखना, आगे जो सेंटेंसेस होंगे उसमें हम देखेंगे भी, और अगर हम भूल जाएं तो आप लोगों ने उसकी एग्जांपल्स जो है वो लास्ट में ले लेनी है कि एडवर्ब जो है वो वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडवर्ब एडवर्ब को भी इटसेल्फ मॉडिफाई करता है, और एडवर्ब एक पूरी क्लॉज को भी मॉडिफाई कर सकता है, और इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ मॉडिफायर ऑफ एडजेक्टिव। परफेक्ट हो गया। सो इसका मतलब ये है कि एडवर्ब जो है वो खाली वर्ब के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। सो अब एक स्टार्ट में मैं आपको बता दूं कि एडवर्ब को आप रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। अगर कोई भी सेंटेंस है, आई गेस लेट ऑन करते हैं, अभी पहले एडवर्ब ऑफ टाइम कर लेते हैं। अगर बीच में कोई सीक्वेंस बना सो आई विल शेयर। सो एडवर्ब ऑफ टाइम हमारे पास होते हैं फॉर एग्जांपल जैसे कि रेयर हो गया, ऑलवेज हो गया, सेल्डम, एवर, नेवर, स्कार्सली, हार्डली। अब इसका तरीका ये होता है कि एडवर्ब जो है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम इसको हम यूज करते हैं। अच्छा, आई होप आप सब अवेयर होंगे मॉडल वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स। एक दफा रिपीट कर दें। मॉडल वर्ब्स नहीं याद वैसे। अच्छा चलिए, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब में डिफरेंशिएट कर लें अगर आप। ऑक्सिलरी वर्ब मेनली हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मेन वर्ब तो मेन वर्ब होता है ना, जैसे ही ईट्स मैंगो तो ईट्स उसका है मेन वर्ब, ही इज ईटिंग मैंगो में इज जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन मॉडल का नहीं पता। परफेक्ट हो गया। सो ऑक्सिलरी में आप लोग सारे क्लियर है कि हमारे जितने हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं, और मेन वर्ब जो एक सेंटेंस का वर्ब होता है दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन। तो मॉडल को हम लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैं मॉडल क्विकली बताती जाती हूँ कि वो विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट वाले जितने वर्ब्स हैं ना वो सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। और मॉडल वर्ब्स का ये होता है कि ऑल मॉडल वर्ब्स कैन बी ऑक्सिलरी वर्ब्स, लेकिन ऑल ऑक्सिलरी वर्ब्स कांट बी क्लासिफाइड एज मॉडल वर्ब्स। सो द थिंग इज के मॉडल वर्ब्स जो है ना वो ब्रॉड कैटेगरी के हैं, उनकी जो उनका स्पेक्ट्रम ब्रॉड है, और ऑक्सिलरी वर्ब्स का स्पेक्ट्रम थोड़ा नैरोअर है कंपेयर टू देम। ठीक हो गया। तो मेन वर्ब इज अ डिफरेंट थिंग, और ऑक्सिलरी वर्ब इज अ डिफरेंट थिंग, एंड मॉडल वर्ब इज अ डिफरेंट थिंग। यूजली जो हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं वो ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब्स होते हैं।
तो उसमें जो है हम एडवर्ब ऑफ टाइम भी कभी कभी यूज कर लेते हैं, उसके मैंने एग्जाम्पल्स आप लोगों के साथ यहाँ शेयर किए हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम को प्लेस करने का तरीका ये होता है कि आपने उसको मेन वर्ब से पहले प्लेस करना है और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद रखना है। अब नीचे मैंने ये दो सेंटेंसेस ऐड किए हुए हैं, इफ एनी वन ऑफ यू कैन स्पॉट एन एरर हियर, ही गोज देयर ऑफन, ही ऑफन गोज देयर, वेरी परफेक्ट। और द नेक्स्ट वन, अली कम्स रेयरली टू विजिट अस, Ali comes to us rarely. Ali rarely comes to us. Yeah, definitely. Sorry. Yes. पहले थोड़ा सा हो गया, चले। So, सबको समझ में आ गया यहाँ पे, ऐसे recorrect कर दिया अपना sentence. ठीक है, Ali rarely comes to visit us. That's a perfect one. So the next thing. अब यहाँ पे आप वेरी और मच, अच्छा वेरी वेरी और मच हम दोनों एडवर्ब के तौर पे यूज करते हैं। वी नो कि वेरी जो है वो भी इंटेंसिटी को शो करता है और मच भी हम इंटेंसिटी को शो करने के लिए यूज करते हैं। मैंने आपको बताया ना क्योंकि एडवर्ब, अब व्हाट इज एन एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के कर रहा है जो डूअर ऑफ एन एक्शन है, और व्हाट इज एक्चुअली डूइंग, वो अब वो तो आपको मेन वर्ब बता रहे हैं, लेकिन उस वर्ब वो किस हद तक कर रहा है, वो एक्सटेंट, वो पोटेंसी को शो करने के लिए वी यूज एन एडवर्ब। तो अब वेरी और मस्ट ना ये जो एक्शन हो रहा है उस एक्शन की पोटेंसी को यूज, पोटेंसी को उसको इंडिकेट करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं कि किस हद तक। वो अलग बात है कि अगर आप कोई न्यूमेरिकल टर्म ऐड कर रहे हैं तो आपको पता लग जाता है, वो और स्पेसिफिकेशन हो जाती है। तो इस लिहाज से चूंकि ये पोटेंसी को इंडिकेट करते हैं तो वेरी और मस्ट इस लिहाज से एडवर्ब कहलाते हैं। तो अब वेरी और मस्ट दोनों का यूसेज जो है ना वो डिफरेंट है। अगर आप में से किसी को पहले ही पता हो वेरी और मस्ट का यूसेज तो वो शेयर कर दे सकते साथ, अदरवाइज आई एम हियर टू एक्सप्लेन। आप एक्सप्लेन कर दें। ओके थैंक यू। सो वेरी जो है ना वो हम पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले लेते हैं। एडजेक्टिव की हमने तीन डिग्रीज पढ़ी हुई है, द फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सिंपल और पॉजिटिव, एंड द सेकंड वन इज कंपैरेटिव, एंड द थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो अब जो पॉजिटिव डिग्री होती है दैट इज द फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो उसके साथ तो आप, अच्छा मैंने आपको भी शुरू में बताया था कि एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, ठीक है, खाली वर्ब को नहीं करता, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे ये उस चीज की एक्सप्लेनेशन है, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि एडवर्ब एक एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई कर रहा है। तो वेरी जो है ये एडवर्ब है, और इसको अगर हमने एडजेक्टिव से पहले यूज करना है तो हम पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो तो आप वेरी यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो तो आप मच यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, दिस द मैच वॉज मच इंटरेस्टिंग, इसमें अगर आपको कोई एरर लगता है तो वेरी इंटरेस्टिंग, या सो आपने वेरी क्यों यहाँ प्लेस किया, क्योंकि कोई कंपैरिजन पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री है, एग्जैक्टली, एंड द वन थिंग इज देयर इज नो कंपैरिजन, या और द नेक्स्ट वन, दिस क्लॉथ इज वेरी इनफीरियर टू दैट, ये कंपैरेटिव डिग्री है तो मच इनफीरियर, मच इनफीरियर, यहां कंपैरिजन है तो आप यहां वेरी नहीं यूज करेंगे, आप मच यूज करेंगे, ठीक हो गया। तो आप लोग ये क्लियर है, और एक क्विकली जो है ना आगे भी आएगा, यहां मैंने प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल भी मेंशन किया हुआ है। अब ये देखिएगा, इंटरेस्टिंग जो है ये लगता है आपको ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है? नो। ओके, और चलिए इनफीरियर तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। अच्छा प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होता है जहां वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा हो, ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल वो होता है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही हो, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जहां कंटीन्यूअस फॉर्म आ रही हो। तो ये भी आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि पॉजिटिव और कंपैरेटिव के बारे में तो आप लोग क्लियर हो गए हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल भी आपने डिफरेंशिएट कर लिया। लाइक अच्छा रुके, मैं बोलती हूँ, आई वाज वेरी बोर्ड, आप इसको करेक्ट करें, मच बोर्ड, आई वाज मच बोर्ड, या सही हो गया। सो नेक्स्ट वन, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज हियर, यस। अब अगर आप लोग इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को क्विकली रीड करें और अगर गेस कर सकेंगे व्हाई आई प्लेस दिस टाइटल हियर, रूल डिस्कस किया है, यहाँ कोई ना कोई ऐसी चीज है जो डेविएट कर रही है, बिकॉज मैंने टाइटल डाला ना एक्सेप्शन का,
तो मैं आप लोगों से ये चाह रही थी कि आप लोग क्विकली यहाँ आइडेंटिफाई करें कौन सी एक्सेप्शन मैं यहाँ डिस्कस करने चाह रही हूँ. अभी जो हम पीछे बात कर रहे हैं यूसी की कंटिन्यूएशन है. जी आपने कहा था ना कि पास्ट पार्टिसिपल के साथ जो है ना मच यूज होगा, लेकिन हम यहाँ कुछ एक्सेप्शन ऐसे थे जिनके साथ हम वेरी यूज कर सकते हैं. एग्जैक्टली वेरी यूज करते हैं. वेरी यूज करते हैं और इवन तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन हमने पीछे डिसाइड किया था कि पास्ट पार्टिसिपल टेक्स मच विद देम कंपेयर टू वेरी. तो यहाँ पे ये वाले वो पास्ट पार्टिसिपल्स हैं, लाइक दे आर टेकिंग ई वी विद देम, तो हमें पता लग रहा है कि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं. तो लेकिन इनके साथ आपने वेरी यूज करना है, तो ये एक्सेप्शन है बियॉन्ड द रूल. अच्छा इसका एक नवानिक हम बना सकते हैं, लाइक जैसे ग्रीव्ड है, डिलाइटेड है, प्लीज आई गेस यहाँ प्लीज जाना चाहिए, और टायर्ड एंड पेंड. तो इसका आप नवानिक अगर बना लें लाइक जी डी पी एंड टी पी. जी डी पी तो आपको पता ही होगा जो हमारे ग्रॉस डेवलपमेंट पार्ट, तो जी डी पी से आप कर लीजिएगा ग्रीव्ड हो गया और डी हमारा हो गया डिलाइटेड और प्लीज्ड हो गया. डिलाइटेड एंड प्लीज्ड भी आई गेस हमारे लिए मेमोराइज करना है. कसम से कुछ शर्म यहां है तुम्हें, मैंने कितनी दफा कहा है. एंड द नेक्स्ट वन इज टी पी, तो टायर्ड एंड पेंड. तो खैर आगे मैंने एग्जांपल लिखी है, वो वर मस्ट टायर्ड यस्टरडे, तो आप टायर्ड देख लें ये उन एक्सेप्शनल वर्ब्स में से है, तो यहां हमने मस्ट डाला, तो यहां एरर है या नहीं है जी आप ही ये सेंटेंसेस यहाँ जी जी वेरी आएगा ना. एग्जैक्टली और ये प्लीज जाके डलावा और यहाँ उन्होंने मस्त लगाया हुआ वेरी. या डेफिनेटली थैंक यू. सो आगे देखिएगा वेरी और टू का कॉम्बिनेशन है. अच्छा टू और वेरी दोनों ही हमारे पास जो है ना वो इक्वल इंटेंसिटी को शो करते हैं, लाइक टू भी इंटेंसिटी को शो करता है, वेरी भी इंटेंसिटी को शो करता है. किसी कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल लाइक ही इज टू वीक टू वॉक, या मैं इसको ये भी कह सकती हूँ कि ही इज वेरी वीक टू वॉक. ठीक है तो दोनों ही मुझे जिसको जिस पर्सन का नाम पता हो तो वो तो ये कहेगा ना कि लाइक वेरी और टू दोनों सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, व्हाट कुड बी द डिफरेंस बिटवीन देम. तो दोनों में लिटिल डिफरेंस है एंड जो एक अच्छे राइटर्स होते हैं दे आर वेरी कॉशियस अबाउट इट. तो वेरी जो है ना वो हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं और टू सार्कास्टिक सेंस में यूज करते हैं. अच्छा एनीवन इज अवेयर विद सार्कज्म? जी जी जो मतलब जी जी इन अ नेगेटिव सेंस किसी को मतलब मॉक करना. हाँ या डेफिनेटली जो हम मॉक के लिए यूज करते हैं, सटायर रिमार्क्स यूज करते हैं. उसमें आप बात ऐसे कह रहे होते हैं इट लुक्स लाइक पॉजिटिव, लेकिन वो असल में नेगेशन भी शो कर रही थी, वो आयरनी होती है. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बल्कि सी आंटी आती है मेरे सामने और मैं उनको देखते हुए कहती हूँ कि हाउ स्मार्ट यू आर, वो दो वो बल्कि हैं बट आई एम सेइंग हाँ या और मैं कहते पॉजिटिव सेंस में कह रही हूँ ना कि अगर वो बहुत इनोसेंट है तो वो नहीं समझेंगी. मैं उनको कह रही हूँ लाइक हाउ स्मार्ट यू आर, तो मैं बहुत एक्साइटेड कह रही हूँ, बट एक्चुअली ये मेरा एक सार्कास्टिक रिमार्क है उन पर. तो इसमें लाइक जस्ट टू मॉक अदर्स, जस्ट टू मेक फूल अदर्स, तो टू जो है वो इसलिए नेगेटिव सेंस में आता है. नेगेटिव कंबाइन. हाँ जी हाँ सॉर्ट ऑफ, तो डिपेंड करता है कि नेक्स्ट पर्सन समझा भी है या नहीं. तो टू जो है इस लिहाज से नेगेटिव सेंस में आता है और वेरी जो पॉजिटिव सेंस में आता है. अच्छा यहाँ देख लीजिएगा दिस बुक इज टू इंटरेस्टिंग, आपको लगता है यहाँ टू का यूसेज ठीक है? ये वेरी इंटरेस्टिंग आएगा ना? या वेरी इंटरेस्टिंग आए तो ज्यादा बेहतर है. एग्जैक्टली वो पॉजिटिव से जुमला है, इसमें मैंने कोई नेगेटिव बात नहीं की और ना ही कोई आयरोनिक स्टेटमेंट है. दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग साउंड्स मोर कूल. अब दिस पेशेंट इज वेरी वीक, क्या गड़बड़ है इसमें भी? इसमें टू आएगा क्योंकि वो बहुत वीक है, मतलब हम उसमें अच्छा मतलब कह सकते हैं जी सॉर्ट ऑफ ग्लूमी थिंग है जी, मतलब कोई पॉजिटिव सेंसेशन नहीं है जी मुझे लगता है, लेकिन कोई मेंशन नहीं हुआ वहाँ, लेकिन नेगेटिव सेंस आ रही है ना, मतलब पॉजिटिव सेंस नहीं है तो ऑब्वियसली पॉजिटिविटी तो नहीं होती है ना, वीकनेस को हम नेगेटिव चीज में शुमार करेंगे ना. हम लोग जो है ना ग्रामर में एक हमने छोटा सा हैंडी रूल रखा हुआ है कि किसी भी लफ्ज के आगे अगर एल वाई लगा हुआ है ना तो वो एडवर्ब होता है. फॉर एग्जाम्पल के अगर कोई भी वर्ब है मैं उसके आगे एल वाई लगा देती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि ये एडवर्ब बन गया. फॉर एग्जाम्पल देखिएगा अगर मैं बोलती हूँ लाइक अमेज, अमेज्ड एंड अमेजिंग, तो मैंने अमेज को ही तीन मुख्तलिफ तरीकों से बोला है. अमेज
amazed and amazingly. तो आप लोग quickly identify करेंगे कि amazed क्या है, amazed क्या है और amazingly क्या है? Amazed वाला past participle और amazingly. Amazing adjective. जी amazing adjective होता है but I said amazingly. Amazingly अच्छा amazingly amazing भी कुछ नहीं होता. Adverb होता है. ठीक तो ये लेकिन हम amazingly use नहीं करते. He said something amazingly. तो वो adverb को define कर रहा है ना तो. या जैसे देखिए beautifully. हाँ. जी. लेकिन मैं कह रही थी कि amazingly हम बहुत कम यूज करते हैं मतलब यूज नहीं करते इतना. हाँ चलिए amazingly को रिप्लेस कर देते हैं. ऐसे बोल देते हैं कि he is a beautiful singer. One sentence and the other is he sings beautifully. अब बताएं. अब यहाँ पहले वाले सिंगर ये adverb. जी. Second वाले में adverb. ये adverb. जी. और the first वाले मैंने बोला उसमें beautiful. Beautiful adjective होगा. Adjective. Exactly. तो मैं बस बताना ये चाह रही थी कि अमेज जो मैंने पहले बोला ना अमेज इट्स अ वर्ब. अगर आप जो वर्ब है ना इसके एंड पे आप ईडी लगा देना तो ये एडजेक्टिव बन जाता है लाइक अमेज्ड. और अगर मैं इसी अमेज वर्ब इसके एंड पे एलवाई लगा दूं तो ये क्या एडवर्ब बन जाता है तो अमेजिंगली. जैसे मैं कहती थी ऐसे अमेज को छोड़ के हम दूसरा लफ्ज ले लेते हैं अलार्म. तो अलार्म जो है लाइक किसी को खबरदार करने वाली चीज अलार्म वार्न करना जैसे तो ये वर्ब हो गया. अब अलार्म्ड मतलब उसने मुझे खबरदार किया तो अलार्म्ड. एग्जैक्टली. तो अब अलार्मिंगली ये भी होता है या एक अनॉय होता है अनॉयड होता है अनॉयिंगली होता है. तो ये मैं आपके सामने एग्जांपल सिर्फ इसलिए कोट कर रही हूँ कि आपको पता लग जाए कि यूजुअली वी डू सच थिंग्स. वर्ब से एडजेक्टिव बनाना हो एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना हो तो एडवर्ब के लिए एलवाई होता है एडजेक्टिव के लिए ईडी होता है यूजुअली इट हैपेंस. तो इस वजह से ना अब प्रॉब्लम वो ये इससे सारी बात मैंने इसलिए पूरी तमहीद बांधी सो दैट यू गाइस कुड रिकॉग्नाइज कि मतलब व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दीस वर्ड्स ओनली और व्हाई आई एम सेइंग कि नॉट ऑल एल वाई एडवर्ब्स आर एडवर्ब्स. ठीक है तो आई इस द टाइटल इज क्लियर नाउ नॉट ऑल एल वाई एडवर्ब्स. अभी जो मैं बहुत जनरल स्टेटमेंट दे रही थी कि अगर आप एल वाई ऐड कर दें किसी भी वर्ड के एंड में तो इट बिकम्स एन एडवर्ब. तो अब अगर यहाँ पे माइजरली है कॉविटी है फ्रेंडली है सिली है इनके एडवर्ब तो एल वाई फॉर एग्जाम्पल है माइजर इतना आपको लगता है ये वाले सारे जो है ये भी एडवर्ब ही होंगे? नहीं ये एडजेक्टिव्स हैं. तो बस कुछ ऐसे एडवर्ब वाले वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव होते हैं एडवर्ब नहीं होते. वो आपको याद होगा हमने पढ़ा था लाइक ही इज कावर्ड और फिर हमने कहा था ही इज अ कावर्डली मैन फिर उसको हमने करेक्ट भी किया था. जी गाइस तो आज अब ये देख लेगा जल्दी से ये एग्जांपल्स ही बिहेव्स माइजरली इसको करेक्ट करेगा कोई एनीवन ही बिहेव्स इन अ माइजरली मैनर दैट्स ग्रेट ओके एंड द नेक्स्ट वन ही ऑलवेज ट्रीट अस फ्रेंडली ही ऑलवेज ट्रीट अस इन अ फ्रेंडली मैनर. या तो मैनर क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंडली क्या हो जाएगा जो हमारा करेक्ट सेंटेंस है. फ्रेंडली विल बी एडजेक्टिव एंड मैनर विल बी नाउन. या बिकॉज एडजेक्टिव्स कम विद नाउन. या डिफाइंस नाउन. ओके डेफिनेटली. सो नाउ यूसेज ऑफ एन इनाउन. अब इसका यूज भी बहुत एम्बिगुअस होते हैं. Ambiguous in a sense के इसको ना हम adjective के बाद use करते हैं noun से पहले use करते हैं. अब जैसे देखें example देखें our teacher is enough kind to us. इसमें क्या गड़बड़ है मतलब what's wrong in this sentence? Kind enough to us. Yeah. Okay. So the next one देखें I have money enough in my bank account. Enough money. That's great. तो मतलब why you guys preferred this? Okay. अगर noun क्योंकि अगर नाउन आ रहा था तो हम प्रेफर करेंगे क्योंकि हम इनफ को एडजेक्टिव के तौर पे यूज करें. ओह दैट्स ग्रेट. एंड जो नेक्स्ट मैंने ऊपर और अगर एडजेक्टिव के पास है तो हम प्रेफर करेंगे हम उसको जो है ना वो एडवर्ब के तौर पे यूज करें. या अब बस ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना होगा कि इनफ जो है ना जैसे बिकॉज़ इट्स एन एडवर्ब किसी ना किसी चीज की पोटेंसी को ही शो कर रहा है
तो आपको बस ये सेंटेंस में देखना होगा कि जिसकी पोटेंसी को ये शो कर रही है, जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है, वो नाउन है या एडजेक्टिव है. और फॉर एग्जाम्पल आर टीचर इज काइंड इनफ टू अस, तो काइंड यहाँ एडजेक्टिव है और इनफ तो इनफ जो है वो हम एडजेक्टिव के लिए यूज कर रहे हैं. तो इससे हमें अंदाजा हो जाना चाहिए कि इनफ अगर हम एडजेक्टिव के लिए यूज करेंगे तो इट मस्ट बी प्लेस्ड आफ्टर एन एडजेक्टिव राइट हियर, और इट विल बी एन एडवर्ब. Yeah, definitely. Because it's an adverb. तो हमने adverb के लिए rule बनाया है कि अगर आपने adjective के साथ use करना है, so must place after it, और अगर noun के लिए तो try to place it before. Okay. Okay. So wherever we were, yeah, usage of enough. तो I have money enough. तो यहाँ पे ये money को basically define कर रहा है. So money is a noun. Noun होगा. तो आप money नाम से पहले प्लेस कर दें, तो ये आसानी हो जाएगी आपके लिए. कभी भी आए तो आपको ये बस ये आइडेंटिफाई करना होगा कि एक्चुअली मॉडिफाई किसको कर रहा है. ठीक है, तो आप लोग एरर नहीं करेंगे फिर. सो द नेक्स्ट वन इज एगो एंड वर्सेस बिफोर. अब देखें दोनों ही हम टाइम स्पैन को यूज करने के लिए, टाइम स्पैन को शो करने के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एगो भी एंड बिफोर भी, तो लेकिन इन दोनों का यूसेज भी ग्रामर में वेरी करता है. अब फॉर एग्जाम्पल एगो हम डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, और बिफोर हम तब यूज करते हैं जब हमें पता ना हो अच्छा ये चीज हुई थी लेकिन कब हुई थी. कोई डेफिनेट टाइम पीरियड हमारे सामने नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल लाइक 5 साल पहले हुई थी, 10 साल पहले हुई थी, आई एम नॉट श्योर, तो वो तब आप बिफोर यूज कर लेते हैं. तो मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी थी एंड ट्राई टू करेक्ट दीज सेंटेंसेस नाउ. वी लिव्ड देयर 5 years बिफोर. व्हाट स्ट्रांग हियर 5 years एगो आएगा ना. या बिकॉज़ यू डेफिनेट टाइम पीरियड उन्होंने बता दिया, दैट इज 5 years. ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा. हैव यू सीन कश्मीर बिफोर? आई विजिटेड दैट 2 years बिफोर. 2 years अगो. जी आपकी 2 years अगो. ठीक है, तो अगर इसी लिए जी जी हैव यू सीन कश्मीर बिफोर, मतलब व्हाई कांट आई यूज अगो हियर? क्योंकि इनडेफिनेट टाइम पीरियड को मतलब मेंशन नहीं है. Exactly. वहाँ बिफोर यूज कर लेते. सी ओके, सो आई गो इन बिफोर. आई होप यू गाइस आर क्लियर नाउ. डेफिनेट एंड डेफिनेट टाइम पीरियड, तो इसकी रिकग्निशन भी आसान होगी. नेक्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन एरर. अब इसको देखिएगा, यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन तो नहीं लिखी, तो यू गाइस हैव टू आइडेंटिफाई इट ऑन योर ओन, अदरवाइज आई एम हियर. तो ही सेल्डम और नेवर टेल्स अ लाई. व्हाट कुड बी एन एरर हियर? मतलब व्हाट्स रॉन्ग इन दिस सेंटेंस? He never tells a lie. ये होगा. Okay, that's great. Happy to have your opinion. Any other person? I think so. Combination में अगर ना arrangement different होती है. Okay. By the way, I can't spot the error in this line. Oh, no worries. Anyone else? असल में मैं बता देती हूँ. यहाँ पे seldom और never. Seldom जो है वो अब देखें आपको ये कभी कभी, ठीक है, और नेवर. नेवर जो है वो आपको नेगेटिव सेंस दे रहा है, और मतलब थोड़ी सी नेगेशन में. आई लिटरली नॉट मीन टू से नेगेटिव सेंस, मतलब नेगेशन वाली सेंस में कह रही हूँ. और सेल्डम लाइक कभी के बाद, थिंग्स दैट डोंट हैपन इन अ रेगुलर मैनर, तो वो लाइक पॉजिटिव चीज नहीं है. तो ये है. तो अब इस सेंटेंस में एरर कोई भी नहीं है इसमें, तो मतलब मैंने इसको यहाँ रखा क्यों है? मतलब why I bother to place it here? अच्छा, इसमें degrees एक जैसी नहीं है, तो शायद हम इसको इसलिए नहीं use करेंगे. अच्छा मैं बताती हूँ, usually होता ऐसे है कि मतलब I saw this sentence, एक writing piece है मेरे पास, एक young student था मेरे, उसको मैंने अभी recently blog article था, तो I saw this sentence there, तो उन्होंने ये ना use किया था like he seldom or ever tells a lie. तो ever यहाँ पे था और seldom था. अब I was like ever जो है ना वो एक positive sensation देता है और seldom जो है वो negative sensation. अब negative and positive इकट्ठे आएंगे तो वो दोनों एक दूसरे को cancel कर देंगे, तो हमारे पास neutral effect क्या आएगा?
तो इट वुड बी रियली डिफिकल्ट फॉर मी कि आप एक्चुअली कौन सा एडवर्ब बताना चाह रहे हैं मुझे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर दूसरे के इफेक्ट तो कैंसिल कर देंगे. सो व्हाट वुड बी द फाइनल थिंग? तो द थिंग इज अगर आप कोई सेल्डम यूज कर रहे हैं और इसके साथ आपने उन्होंने एवर यूज किया हुआ था, तो आई प्लेस की नेवर यूज करें, बिकॉज नेगेटिव एंड नेगेटिव साउंड्स मोर कूल. दे आर गोना रीइंफोर्स द मीनिंग ऑफ वन एंड अदर रादर देन कि अगर आप यहाँ एवर यूज करें तो सेल्डम और एवर. एवर इज पॉजिटिव एंड सेल्डम इज नेगेटिव, तो वो रीइंफोर्स नहीं करते मीनिंग को. और हम एडवर्ब तो डालते ही इसीलिए हैं कि इट कुड रीइंफोर्स द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. आर यू गाइस गेटिंग माय मतलब? ओके सही है, साउंड्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. कूल था नहीं वैसे? Yes, काफी brainstorming करनी पड़ी है. ये क्या है मतलब, हमें नहीं समझ आ रही थी. Literally and that also was quite mind blowing. Combination करते वक्त आप इस तरह ध्यान रखें positive negative sense का, तो good हो जाएगा. Yeah, definitely. और ये बहुत rare है, मतलब most of the people don't care about it. तो I thought कि I should discuss with you guys कि tells है और tells को define कर रहे हैं, so sort of an adverb ही है. So it would be cool agar main yahan place karu. So the next thing is, because I guess we are short in time, quiet and very. Mujhe pata kya lagta tha, mujhe ye lagta tha ki hum ye degrees match nahi kar rahi to hum use nahi karenge. Ha sahi hai, wo hamare jo purane hum rules pe define karte hain cheezon ko. Acha chali jaldi se next dekhi, quiet and versus very. Acha his house is quite old, matlab what's wrong, pata lag raha bhai uska ghar bahut purana hai. Quiet mujhe ek absolute ek perfect sense de raha hai. To Very क्यों मतलब, why not quiet? quiet हम सब जब साथ कोई reason दे तब use करते हैं. अच्छा, quiet जो होता है ना वो एक perfect absolute sensation देता है, और very जो है ना वो हमें देता है like somehow. अब his house is quite old. अब जिस घर में वो रह रहा है अगर तो वो कोई absolutely बंद मतलब perfectly चीजों को old कहना, ये होता है कि आप 100% एक्यूरेसी से बात कर रहे हैं, सो इट्स क्वाइट रॉन्ग. ठीक है, तो अ वेरी यूजफुली समथिंग मोर कूल. अब देखिए, वॉकिंग इज क्वाइट यूजफुल फॉर हेल्थ. वॉकिंग इज वेरी यूजफुल, क्वाइट मतलब एब्सोल्युटली यूजफुल. तो इसका मतलब ये होगा कि कोई बंदा बीमार भी है, फटीग्ड है, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, और तो वॉकिंग जो है ना आप उसको एक एब्सोल्युट यूजफुलनेस दे रहे हैं, तो वो उसके लिए भी बेहतर होगी. हालांकि ऐसा नहीं है, अब कोई इंजर्ड पेशेंट है वो अगर वॉक पे जाता है, या कोई आर्थराइटिस का पेशेंट है, तो वॉक करने से उनकी इंजरी मोर सीवियर भी हो सकती है. जिस मेडिकल सिचुएशन को वो फेस कर रहे हैं दैट कैन एग्रेवेट, तो वॉकिंग जो है इज नॉट बेनिफिशियल फॉर एवरी पर्सन. तो आप अगर एब्सोल्युट सेंसेशन की जगह वेरी यूज करें साउंड्स मोर गुड. सही है, तो आपने क्वाइट वहां यूज करने, जहाँ क्वाइट का मतलब परफेक्टली कम्प्लीटली 100%. ठीक है, तो वेरी जो होता है ना वो उसका ये मतलब नहीं होता, वो समहाउ थिंग्स. तो आप ही हम मोस्टली सेंटेंसेस में वेरी यूज करेंगे, हम क्वाइट नहीं यूज करेंगे. क्वाइट हम मतलब 100% जहां हो एक्यूरेसी. हां जी बिल्कुल, वहां यूज कर लिया मैंने वेरी को प्रेफर करें. व्हेन यू आर प्लेइंग विद एडवर्ब्स. ओके, तो या तो अब ये इसको आइडेंटिफाई कर लीजिएगा. यहां एरर स्पॉट करने को थी, वी आर जस्ट विद टू मतलब वी हैव 2 मिनट्स ओनली. I don't know the reason why he dislikes me. Okay. Let me clear. I don't know why he dislikes me. मतलब reason का I think तो डालना जरूरी नहीं है. Yeah, definitely. Why or reason? इसको हम कहते हैं redundancy, right? Yeah. Exactly. तो जब आपने why भी डाल दिया और आपने reason भी डाल दिया तो ये redundant है. तो I don't know why he dislikes me. सही है. अब this is the place where he was born. तो प्लेस और वेयर, अ वेयर प्लेस वन एंड द सेम थिंग. तो ये भी रिटेंडेंट ही है. आप ये कह दें कि दिस इज द प्लेस ही वाज बोर्न या दिस इज वेयर ही वाज बोर्न. ठीक है, तो प्लेस एंड वेयर एंड द रीजन एंड वेयर. ठीक है गाइस, सो एनीथिंग, एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट, एनी कंसर्न? आज काफी इंटरएक्टिव क्लास थी. दैट्स ग्रेट. अदर देन और टाइम बहुत अच्छे से मैनेज हुआ. थैंक यू सो मच. तो हमें काफी अच्छा लगा. दैट्स ग्रेट. आपने स्पॉट द एरर ज्यादा डाले थे, इस वजह से काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई और काफी नई चीजें पता चली है. दैट्स वेरी कूल. थैंक यू सो मच गाइस. आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑल हियर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.